भाई भूख भी दिया। Where are you come from? नेपाली हो? सब बाइक देखने के लिए आए। फाइनली मेरा पेपर आ चुका है। मतलब पेपर नहीं आया, आरसी नहीं आया, लेकिन बीएमडब्ल्यू ने उसमें स्टैम्प दे दिया है जो नेपाल का अथॉरिटी मांग रहे थे। और फाइनली आई हैव डिसाइडेड आई विल गोइंग टू मुस्तांग। काठमांडू नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आई थॉट काठमांडू से ज़्यादा तो मुस्तांग अच्छा है। और यू गाइस आर नॉट गोना बिलीव बाइक कितना बड़ा दिख रहा है। लुक एट दिस, लुक हाउ बिग द बाइक लुक्स। ये तो मेरा टेंट होगा, ये टेंट है। और फिर दिस इज अ चेयर आई बॉट फ्रॉम डीकैथलॉन। और फिर ये है मैट, दिस इज द ट्राइपॉड। और यहाँ आएगा मेरा और एक बैग, लेकिन उतना भारी तो नहीं क्योंकि बस कपड़ा ही डाला हूँ, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। यहाँ मेरा लैपटॉप है, ड्रोन कैमरास। और फिर यहाँ भी आएगा एक बैग, टिंक बैग, एंड दैट्स इट। और फॉग लाइट भी लगा लिया मैंने, यू कैन सी द फॉग लाइट, इट लुक्स वेरी डिफरेंट विद द फॉग लाइट्स। और ये किस चीज़ के लिए, आई विल शो यू लेटर। एंड ऑल्सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मंजिल, वेलकम टू माई चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम सुपर पम्प्ड अप आज, बिकॉज दिस इज अ प्लेस विच एवरी बाइकर एक्चुअली ड्रीम ऑफ गोइंग, राइट। और आई एम टेकिंग अ फर्स्ट एवर लॉन्गेस्ट राइड टू दिस प्लेस। Obviously, I'll be very excited. Let's see how the trip goes. I'll try to capture the best moment and I'll show you guys. So, I need to get ready. I'll see you guys on the bike. Bye. Let's start our ride at exactly 6:37 in the morning. I'll be missing this guys. सबसे ज़्यादा तो इनको miss करूँगा, ये तीनों को, क्योंकि the reason why I am telling I'll miss this guys is I won't be in contact with these guys. Family के साथ तो हाँ फ़ोन कॉल होते रहेगा, लेकिन इनको तो पता नहीं चलेगा, अरे भाई ये तो बाइक में गया था, आता नहीं है, क्यों, क्या हो गया, बोलेंगे ना। दादा गोए में हाँ। तो आज का राइड भगवान के नाम से स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, लेट्स गो। बात तो एक ही है, यहाँ से जा नहीं पाएंगे, उस तरफ से जाना पड़ेगा मेरे को। और यहाँ से फिर कैमरा ऑफ करना है, तो आई विल मीट यू गाइस ऑन द अदर साइड। तो मिलते हैं नेपाल। तो यहाँ एक मंदिर होगा, धन्यवाद भाई। के हो निंग्रो, कति कति को, मलाई त चाहिँदैन तर 10 को 50। म त भाइ टुट्टा गएको नि त, मलाई त चाहिँदैन नि त। कहाँदेखि ल्याएको यो? कहाँबाट, कहाँ हो त्यो चाहिँ? ए यस्तोदेखि आफै टिपेको? ए मलाई त चाहिँदैन नि यार, के गर्नु, कहाँको तिम्रो चाहिँ, कता हो त्यो चाहिँ? ए उता हो, ए मलाई त चाहिँदैन नि, तर मिठाई खान्छौ एउटा खाऊ तिमी, मलाई चाहिँदैन ल भाइ, म कहाँ राख्नु, त्यो बनाउने जग्गा नै हुँदैन मेरो। ल राम्रो बेच, इतना छोटा उम्र में इतना मेहनत करते हैं यार कोई कोई। लाइफ सबका एक ही होता नहीं है, किसी को बहुत छोटा से ही स्ट्रगल करना पड़ता है। दिस बाइक फील्स वेरी डिफरेंट, ये बैग्स के साथ ना, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम राइडिंग विद द बैग, सो इट फील्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि आई नो इट फील्स हैवी प्रॉबेबली बिकॉज आई एम नॉट यूज टू इट। लेकिन 10 दिन का ट्रिप है, तो इन अनदर 2 डेज आई विल बी यूज टू विद दिस। और हाँ, आज का मेरा डेस्टिनेशन होगा पोखरा। अभी मैं कहाँ पहुँच गया मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स लिखा ही नहीं है कहीं भी, और मेरा GPS काम नहीं कर रहा है। पोखरा तक तो चले जाएंगे, फिर वहाँ
फिर वहाँ से मेरे को जीपीएस का उपाय ढूंढना पड़ेगा, और फ्यूल भी डालने का जरूरी नहीं है। 412 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रहा है फ्यूल। बहुत अंधेरा हो चुका है अभी और टाइम सिर्फ 8 बज रहा है। आई नो इट्स गोइंग टू रेन, लेकिन पता नहीं कब कहाँ होगा। तो ये जो दो भाई मिले थे काफ़ी सपोर्टिव थे। दे वर टेलिंग मी द रूट एंड टेलिंग मी टू राइड सेफली और स्लोली, क्योंकि यहाँ का बसेस उतना अच्छा से चलाते नहीं, और रास्ता है बहुत बुरा यहाँ। सो आई हैव रीच्ड बर्दीबास। दिस प्लेस इज ऑल्सो नोन एज द जंक्शन, क्योंकि यहाँ से आप अगर आगे से राइट लेते हो तो आप काठमांडू पहुँच जाओगे, और सीधा जाओगे तो पोखरा। दिस लुक्स सो कूल। इस तरफ देखो पूरा ड्राई हो चुका है लीव्स, और इस तरफ स्टिल ग्रीन। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। कहाँ पहुँच गया रे बाबा, पता भी नहीं चल रहा है मेरे को। हेटोड़ा किचन एंड फर्नीचर पैलेस। ओके आई हैव रीच्ड हेटोड़ा एंड आई वाज टोल्ड आई एम सपोज टू बी टेकिंग लेफ्ट फ्रॉम हेटोड़ा। ओके यस लेफ्ट बट नॉट हियर इन 600 मीटर्स। तो आई थिंक दिस इज द जंक्शन। इस तरफ शायद काठमांडू होगा और लेफ्ट पोखरा। Let's go left. No traffic lights, nothing. भाई साहब ये जगह तो
अभी से इंटरेस्टिंग दिखने लग गया है। Okay, that guy is from Delhi. First Indian biker again. Okay, those people told me मेरा सामान गिरने वाला है तो मैं ये सब बांध रहा था। अचानक आई नो स्टैंड अच्छा जगह में था या नहीं और फिर बाइक गिर गया उस तरफ, लेकिन हुआ कुछ नहीं बाइक को। सब ठीक ही है। पोखरा 3 किलोमीटर, जोमसोंग 173। जोमसोंग जाना है मेरे को कल पोखरा से, तो 170 किलोमीटर्स का राइड होगा मेरा कल। ओके, दिस इज पोखरा इट सीम्स। भाई साहब 3 घंटा लगा, क्योंकि वहाँ मेरे को 1 घंटा तो लग गया ये सामान पैक करने में, तो इट्स अ 2 आवर्स राइड। पोखरा इज़ वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी इन नेपाल। ठीक है, यहाँ का शायद पॉपुलेशन होगा 5 लाख्स एज इन 2021, अभी नहीं, अभी का अपडेटेड काउंट था नहीं गूगल में, ऑब्वियसली आई गूगल्ड। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ एक होटल ढूँढना है विच हैज़ पार्किंग एंड एसी, क्योंकि गर्मी लग रही है। तो पोखरा इज प्रोबेबली 590 टू 600 किलोमीटर्स फ्रॉम सिलीगुड़ी। दोस्तों आर वॉचिंग फ्रॉम सिलीगुड़ी, दैट इज द डिस्टेंस। इट टेक्स ओनली वन डे लाइक 12 to 13 आवर्स, क्योंकि कल बारिश बहुत हो रहा था रास्ता में तो मेरे को रुकना पड़ा। आई डिडंट वांट टू टेक रिस्क। मेरा मम्मी वीडियो देखती है तो मेरे को टेंशन देने का मन नहीं लगता। आई गो सेफ नॉट जस्ट फॉर माय मदर पर मेरे लिए भी। ओ पोखरा इज सो ब्यूटीफुल मैन, द स्ट्रीट्स आर सो क्लीन। फॉरेन कंट्री में आया जैसा, ऑब्वियसली फॉरेन कंट्री ही है लेकिन फॉरेनर्स भी है। आई मीन इट्स अ फॉरेन कंट्री टू मी, लेकिन आई नेवर एक्सपेक्टेड पोखरा टू बी दिस ब्यूटिफुल। आई थिंक ऑन द अदर साइड देर इज फेवाताल, द फेवा लेक। आई थिंक इट्स विजिबल फ्रॉम हियर एज वेल। देयर यू गो, दिस इज द फेमस लेक ऑफ पोखरा। यही कहीं है जहाँ मैं बैठने वाला हूँ, बट देन I'm not sure if rooms are available right now. I am recommended by one of my brother.
लेट्स सी। फाइनली पहुंच गए पोखरा। सबसे पहले तो नहा धो के फ्रेश हो चुका और खाना लग गया है। खाना में है चिकन, दही, कालो दाल, भात, पापड़ और थकाली खाना विथ माई फेवरेट फ्रेंड्स। और रूम का बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, लेक उधर है, दिस इज द व्यू फ्रॉम माई रूम। अरे पैराग्लाइडिंग हो रहा है वहाँ, केबल कार। अरे भाई ये तो अभी देख रहा हूँ यार, नाइस। तो अभी खा के रेस्ट करेंगे, थोड़ा डेटा ट्रांसफ़र करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट परमिट लेने जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, दिस इज इट फॉर टुडे। पोखरा पहुंच गया, कल यहाँ से जोमसम जाना है, उसके लिए परमिट चाहिए। जोमसम यहाँ से 170 किलोमीटर होगा। दिस इज इट, प्लीज़ स्टे सेफ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई एम वेरी टायर्ड, मेरे को रेस्ट करना है अभी। सी या।